बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर सुल्तान, माय चैनल इत्माद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक को कवर किया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी चैप्टर नंबर 2 के साथ क्वेश्चन रहते हैं उसको हम कवर करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12, देखो ना, हमने ये क्या फाइंड करना, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना? डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इधर भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर। ये ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा फंक्शन, दूसरा वैसे दूसरा नीचे वाला फंक्शन, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल क्या होता है? दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर। वन मनफी एक्स ऐसे ही आ गया। वन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। वन का डेरिवेटिव क्या है? जीरो। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आएगा? वन। ये माइनस आ गया, वन प्लस एक्स आ गया। वन का डेरिवेटिव क्या है? जीरो। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आएगा? माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स की होल का स्क्वायर। वन मनफी एक्स आ गया। अब वन मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आ जाएगा, ये माइनस आ गया। वन प्लस एक्स क्या करेगा? माइनस वन। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर वन मनफी एक्स का होल का स्क्वायर। वन मनफी एक्स आ गया, प्लस का वन प्लस का एक्स ओवर वन मनफी एक्स होल का स्क्वायर। ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स कैंसिल हो गया। वन वन को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा। वन प्लस वन टू, वन मनफी एक्स होल का स्क्वायर। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करके x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2। डेरिवेटिव फाइंड करके x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2। ये करना है हमने क्वेश्चन। इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है? क्वेश्चन रूल है दूसरा वैसे, नीचे वाला दूसरा फंक्शन है, ऊपर वाला पहला फंक्शन है, पहला वैसे माइनस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर। एक्स माइनस वन आ गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे? पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? पावर पहले, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर बेस का
डेरिवेटिव, वन को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे क्या आएगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये माइनस आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वन आ गया। अब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, वन आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो ओवर एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर। एक्स माइनस वन आ गया, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, वन आ जाएगा, ये माइनस आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर। अब ये टू एक्स आपस में, ये आपस में आज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, टू एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, टू एक्स, ये टू एक्स के, टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का टू एक्स आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वन आ गया होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, ये था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू टू। अब यहाँ पर टू की जगह पर टू आ जाएगा, जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, टू। जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, टू। टू को टू के साथ मल्टीप्लाई, टू की पावर टू फोर, फोर के टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एट, माइनस फोर माइनस फोर माइनस वन ओवर टू में से वन निकालेंगे क्या आ जाएगा, वन, वन का स्क्वायर वन होता है। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का वन वन आ गया, क्या आंसर आ जाएगा, वन माइनस का। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यू की पावर एन एंड यू इज इक्वल टू थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, एक्स के। अगर हम यहाँ पर y का डेरिवेटिव लेते हैं तो u के रेस्पेक्ट आ रहा है, क्या करेंगे, ये u की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें u की वैल्यू हमें दी हुई है, u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या, थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा प्लस वन की पावर n। यहाँ पर ये u की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आप देखो y का डेरिवेटिव लें किसके रिस्पेक्ट आएगा, x के। अब ले लो डेरिवेटिव का, डी वाई ओवर डी एक्स, इधर भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऊपर पावर क्या है, n है। अब यहाँ पर देखो क्या है, पावर u लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से कम, पावर को पहले उतार देंगे, पावर में से कम कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या, थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया प्लस वन आ गया एन माइनस वन। अब थ्री क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर और पावर पहले पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव देंगे, एक्स को एक्स के फैक्ट वन आ जाएगा, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का लेंगे वन आ जाएगा प्लस एक्स को एक्स के फैक्ट लेंगे वन आ जाएगा, वन को एक्स के फैक्ट लेंगे क्या आएगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया प्लस वन आ गया एन माइनस वन।
अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x का स्क्वायर हो गया, माइनस 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 14x प्लस 1। ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, शो दैट वाई मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई और डी एक्स के साथ, इक्वल टू एक्स के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट को हल करके राइट बनाना है, लेफ्ट को हल करके राइट बनाना, लेफ्ट को हल करने के लिए क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इस तरह भी लगा देंगे, डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर पहले पावर में से एक कम। पावर रूल क्या होता है, पावर पहले पावर को पहले उतार देंगे पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पावर के अंदर होती है ये बेस होती है, 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हल करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 बाई 2, 1 का डेरिवेटिव क्या कांस्टेंट का 0। यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम फिर बेस का डेरिवेटिव, 1 बाय 2 आ गया। ये नीचे आ गया पावर पॉजिटिव की, ये देखो पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, पॉजिटिव की होके क्या हो जाएगी अंडर रूट में आ जाएगी, पॉजिटिव की होके फिर अंडर रूट में आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x, 2 के साथ कैंसल, यहाँ पर 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने अब ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पर करके क्या बनाना, राइट। लेफ्ट क्या हमारे पास, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई और डी एक्स के साथ। अब वाई की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या है एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसल, क्या बच गया, एक्स बच गया, ये क्या आ गई बराबर आ गई राइट हैंड साइड, बराबर आ गई राइट हैंड। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, x इक्वल टू 2y माइनस 1 ओवर y प्लस 3। फाइंड क्या करना हमने, dy ओवर डी एक्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना हमने, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये होता है इनडिपेंडेंट। डेरिवेटिव हमेशा इनडिपेंडेंट का लिया जाता है, डेरिवेटिव हमेशा इनडिपेंडेंट का। अब क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट है टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट लेंगे, इनडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी वाई, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी वाई, 2y माइनस 1 ओवर y प्लस 3। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोशिश x का y के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी वाई, सॉरी क्या आएगा डी एक्स ओवर डी वाई। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल, ऊपर वाला पहला फंक्शन, नीचे वाला दूसरा फंक्शन, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। नीचे क्या आएगा, वाई, वाई के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, नीचे क्या आएगा वाई, वाई के रिस्पेक्ट लेंगे, ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर। अब ये वाई प्लस 3 ऐसे ही आ गया, अब 2 क्या है कांस्टेंट है, वाई को वाई के रिस्पेक्ट लेंगे 1 आएगा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट लेते थे 1 आता था, अब वाई को वाई के रिस्पेक्ट लेंगे 1 ही आएगा, ये माइनस आ गया,
टू वाई माइनस वन आ गया, वाई को वाई के रिस्पेक्ट लेंगे वन आएगा, वन वन को वाई के रिस्पेक्ट लेंगे क्या आंसर आएगा, जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, शून्य शून्य होता है। अब ये टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, टू वाई आ जाएगा प्लस टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा, ये माइनस का टू वाई, लामत को चेंज कर देंगे, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो लामते चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस का वन आ जाएगा, ओवर वाई प्लस थ्री होल का स्क्वायर। अब ये प्लस का टू वाई है, ये माइनस का टू वाई, कैंसल, सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा, सेवन वाई प्लस थ्री होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल था, डी वाई ओवर डी एक्स के, डी एक्स ओवर डी वाई, लेकिन हमने कौन सा रिजल्ट देना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, उल्टा देंगे, लेफ्ट को भी उल्टा देंगे राइट को भी उल्टा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, नेमोनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को नेमोनेटर बना देंगे, लेफ्ट को उल्टा दिया राइट को, ये था हमारा फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स की पावर टू ओवर थ्री प्लस वाई की पावर टू ओवर थ्री इक्वल टू ए की पावर टू ओवर थ्री, फाइंड क्या करना है हमने, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो क्या इसको वाई के इक्वल लेट कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि वाई इसने खुद दे दिया क्वेश्चन में, वाई खुद दे दिया, बल्कि इसका ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या ले लेंगे, ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट लेंगे, टू ओवर थ्री प्लस डी ओवर डी एक्स, वाई की पावर टू ओवर थ्री, इधर ए का भी इस तरफ का भी राइट लेफ्ट का भी डेरिवेटिव लेंगे, राइट का भी ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर रूल, पावर को पहले उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर बेस क्या, बेस हमारी ये है वाई। अब ये ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो, टू ओवर थ्री एक्स, किसको हल करेंगे, आ जाएगा माइनस का वन बाई थ्री, एलसीएम को हल करने का तरीका टू बाई थ्री माइनस वन, एलसीएम कितना आ गया थ्री, ये थ्री इन दोनों के साथ क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई। अब ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसके साथ ताल्लुक खत्म हो गया, ये थ्री थ्री के साथ कैंसल, टू थ्री वन मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री, टू प्लस का माइनस का थ्री क्या आ जाएगा, माइनस का वन बाई थ्री, ये सब एलसीएम। एक्स को एक्स के साथ लेंगे, वन आ जाएगा, टू ओवर थ्री वाई माइनस का वन बाई थ्री, माइनस का वन बाई थ्री, वाई को एक्स के साथ लेंगे क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। हमने सिर्फ यहाँ से क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या करेंगे, जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं है उसको मसावी के दूसरी साइड पे फेंक देंगे, इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है इसको मसावी के दूसरी साइड पर फेंक देंगे। अब ये इधर क्या हो रहा है, प्लस उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, टू बाई थ्री एक्स की पावर माइनस का वन बाई थ्री, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ डेरिवेटिव, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का टू बाई थ्री एक्स की माइनस का वन बाई थ्री ओवर टू बाई थ्री वाई की पावर माइनस का वन बाई थ्री, ये इसके साथ कैंसल, क्या आंसर आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री वाई की पावर माइनस का वन बाई थ्री, ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो, क्या फाइंड करना है हमने? डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है? एक्स के। अब देखो इसने वाई बीच में दे दिया, वाई के इक्वल लेट नहीं कर सकते, बल्कि डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा देंगे, लेफ्ट भी लगा देंगे राइट भी। ए क्या है? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे? वेरिएबल का। बी क्या है? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे? वेरिएबल का। टू एच क्या है? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे? वेरिएबल का। यहाँ पर जीरो का भी डेरिवेटिव लेना है, इग्नोर नहीं कर देना, बल्कि जीरो का भी डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर लगाएंगे पावर, और पावर पहले पावर में से कम बेस का लेंगे, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट वन नहीं आ जाएगा, प्लस बी आ गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे? पावर पहले पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है? वाई। अब ये टू एच आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, प्रोडक्ट रूल लगा दें, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन ये है, दूसरा ये, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। जीरो का डेरिवेटिव जीरो, शून्य शून्य का डेरिवेटिव शून्य शून्य, टू ए एक्स आ गया प्लस टू बी वाई आ गया। वाई को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एच आ गया। अब ये एक्स आ गया, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई आ गया। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, वन आ जाएगा, वन जब वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई आ जाएगा। टू ए एक्स आ गया प्लस टू बी वाई आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये टू एच क्या हो रहा है? इसके दोनों के दोनों वैल्यू के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे इसके साथ? टू एच को इस पूरे रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एच एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एच वाई इक्वल टू जीरो। अब अगला स्टेप क्या है? आप जिसके साथ डेरिवेटिव लगा हुआ है उसको इधर ही रख लेंगे, बकाया को दूसरी साइड पर फेंक देंगे। अब जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं है उसको मसावी के दूसरी साइड पर फेंक देंगे, जिसके साथ, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना, लेफ्ट साइड पर सिर्फ डेरिवेटिव, इन दोनों का इधर कोई काम नहीं, इसको दूसरी साइड पर फेंक देंगे। ये हो जाएगा माइनस का टू ए एक्स, ये माइनस का टू एच वाई। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, क्या कॉमन ले सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा? टू डी वाई प्लस टू एच एक्स, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस टू ए एक्स प्लस एच वाई। अब ये इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इसमें से टू कॉमन भी ले लेंगे, क्या हो रहा है इधर? मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डेरिवेटिव। टू कॉन्स्टेंट को बाहर भी निकाल लेंगे, बी वाई प्लस एच एक्स, यहाँ से क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये इसके साथ कैंसल, क्या फाइनल आंसर आ गया? माइनस ए एक्स प्लस एच वाई ओवर बी वाई प्लस एच एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 18। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। एक्स की थ्री वन प्लस एक्स की थ्री विद रिस्पेक्ट टू
एक्स की थ्री। अब देखो दो फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्या लगाएंगे? चेन रूल। दो फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्या लगाएंगे? चेन रूल। पहले फंक्शन को हमेशा वाई के इक्वल करेंगे, दूसरे फंक्शन को कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे। पहले फंक्शन को क्या करेंगे, वाई के इक्वल लेट करेंगे, दूसरे को कोई वेरिएबल टी लेट कर लेते हैं। दो फंक्शन अलग अलग हो जाएं, क्या लगाना होता है? चेन रूल। इसको वाई के पहले फंक्शन को हमेशा वाई के इक्वल लेट करेंगे, दूसरे को कोई वेरिएबल लेट कर लें एक्स के अलावा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, चेन बनाएंगे, चेन में आंसर को पुट कर देंगे। इस तरह भी लगा दें डी ओवर डी एक्स, इस तरह भी लगा दें डी ओवर डी एक्स। अब देखो क्या लगेगा यहां पर, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या है? दूसरा वैसे नीचे वाला दूसरा फंक्शन है, ऊपर वाला पहला फंक्शन है। दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, वन प्लस एक्स की थ्री आ गया। अब यहां पर क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर पहले पावर में से काम बेस का लेंगे, वन आ जाएगा, ये माइनस एक्स की थ्री आ गया, वन का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पर क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर पहले पावर में से कम बेस का लेंगे, वन आ जाएगा, वन प्लस एक्स की थ्री आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर, वन प्लस एक्स की थ्री, ये क्या आ जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की थ्री, थ्री एक्स का स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स की थ्री। हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की फाइव, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस थ्री एक्स की फाइव। अब ये आपस में मल्टीप्लाई देंगे, वन प्लस एक्स की थ्री होल का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का कैंसल, क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, थ्री एक्स का स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स की थ्री का होल का स्क्वायर। ये तो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर पहले पावर में से कम बेस का लेंगे, वन नहीं आ जाना, वैसे क्या आ जाएगा, थ्री एक्स का स्क्वायर, एक्स को स्क्वायर कर लेंगे, वन आ जाएगा, ये आ गया डी टी ओवर डी एक्स। अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर, चेन रूल। चेन बनाएंगे, वाई फंक्शन किसका है, एक्स का, वाई फंक्शन एक्स का, फिर एक्स फंक्शन किसका है, टी का। सबसे पहले कैसे चेन बनाने का तरीका क्या है, वाई फंक्शन एक्स का है, फिर एक्स फंक्शन टी का, क्योंकि ये सेम होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, सेम। सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी टी, ये लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल टू। अब इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई, अब इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या, देखो वाई फंक्शन एक्स का है, फिर एक्स फंक्शन टी का है। अब वाई का डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट, सबसे पहले ये आएगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू आ गया। अब वाई का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, मल्टीप्लाई, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे इसके रिस्पेक्ट, क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या, ये पड़ी हुई हमारे पास, थ्री एक्स का स्क्वेयर ओवर वन प्लस एक्स की थ्री होल का स्क्वेयर मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या चाहिए, डी एक्स ओवर डी टी, हमने फाइंड क्या क्या किया है, डी टी ओवर डी एक्स फाइंड किया, उल्टा के लिख देंगे, वन ओवर थ्री एक्स का स्क्वेयर उल्टा के लिखेंगे। यहाँ पर देखो ना डी टी ओवर डी एक्स है, यहाँ पर है डी एक्स ओवर डी टी, उठा के लिखेंगे, ये इसके साथ कैंसल, फाइनल आंसर आ गया वन ओवर थ्री
वन प्लस एक्स की थ्री होल का स्क्वायर, ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 19। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक्स का स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट है टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो दो फंक्शन क्या आ गए, अलग अलग आ गए, क्या लगाना होता है इस पे? चेन रूल। पहले फंक्शन को हमेशा वाई के इक्वल करेंगे, दूसरे को कोई वेरिएबल लेट कर लें, दूसरे को कोई वेरिएबल, मैंने टी लेट कर लिया, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, चेन बनाएंगे, क्वेश्चन को हल हो जाएगा। इस तरफ लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरफ लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या लगेगा? क्वोशेंट रूल। दूसरा वैसे, दूसरा क्या है? नीचे वाला फंक्शन दूसरा है, दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वेयर। ओवर दूसरे का स्क्वेयर, ये होल का स्क्वेयर लिखें, वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। यहां पर क्या लगेगा? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम बेस का लेंगे, वन नहीं आ जाएगा, ये माइनस आ गया। एक्स स्क्वेयर वन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्स्टेंट का जीरो। यहां पर क्या लगाएंगे? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम, पावर में से एक कम, डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर, क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ गया? वन प्लस एक्स का स्क्वेयर, यहां पर टू एक्स आ गया, माइनस एक्स का स्क्वेयर इंटू टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर, क्या आ जाएगा? यहां पर टू एक्स को मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में क्या आ जाएगा? टू एक्स का, टू एक्स आ गया प्लस टू एक्स की थ्री माइनस टू एक्स की थ्री वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर। अब देखो ये प्लस का है, माइनस का कैंसल, क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या आ जाएगा? डी टी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, डी ओवर डी एक्स, क्या आएगा? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक काम, बेस का लेंगे, वन नहीं आ जाएगा, टू एक्स ओवर डी एक्स। अब क्या लगाएंगे? चेन रूल। अब क्या लगाएंगे? चेन रूल। चेन रूल क्या है? बनाएंगे वाई फंक्शन है एक्स का, फिर एक्स फंक्शन टी का, क्योंकि ये सेम होने चाहिए, वाई फंक्शन एक्स का है फिर एक्स फंक्शन टी का है। सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, क्या आएगा? डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू, अब इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे, क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट ले लेंगे, क्या आ जाएगा? डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारी बन गई चेन। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये निकाली हमने, क्या आ जाएगा? टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर मल्टीप्लाई, यहां पर क्या है? डी एक्स ओवर डी टी, फाइंड क्या किया हमने? डी टी ओवर डी एक्स, क्या करेंगे? उठा के लिखेंगे वन ओवर टू एक्स करके, टू एक्स का साथ कैंसल, वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर, वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब 21 क्वेश्चन नंबर करेंगे 21, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे छुट्टी। क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21।
एक्स इक्वल टू यू प्लस वन ओवर यू, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वन ओवर यू। अब दो फंक्शन अलग अलग हो क्या लगाना होता है, चेन रूल। दो फंक्शन अलग अलग हो तो क्या लगाना होता है, चेन रूल। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस वन, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स। अब u को u के रिस्पेक्ट लेंगे क्या आएगा, u को u के रिस्पेक्ट लेंगे वन आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, वन आ गया प्लस माइनस माइनस वन यू माइनस का टू, यू को यू कर स्पेक्ट लेंगे वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन माइनस का वन ओवर यू, नीचे आ गया पावर पॉजिटिव की, इसका क्या ले लेंगे एमसीएम, यू स्क्वायर आ गया, यू वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का वन, ये आ गया हमारा डी वाई ओवर डी यू। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी यू इक्वल टू डी ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी यू यू माइनस यू माइनस वन। अब यू को यू के रिस्पेक्ट लेंगे क्या आएगा, वन माइनस, यहां पर क्या लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, वन आ गया माइनस माइनस प्लस आ गया, यू माइनस का टू आ गया, यू को यू के रिस्पेक्ट लेंगे वन आ जाएगा, वन ओवर नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, इसका अब क्या लेंगे एलसीएम, यू स्क्वायर प्लस वन आ गया, ये आ गया हमारा डी वाई ओवर डी यू। अब क्या बनाएंगे, चेन वाई वाले को पहले लेंगे, वाई फंक्शन किसका है, यू का, फिर यू फंक्शन किसका है, एक्स का, ये सेम होने चाहिए। आप सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे, क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको इसके रिस्पेक्ट ले लेंगे वाई को यू के रिस्पेक्ट, क्या आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई, इसको यू को एक्स के रिस्पेक्ट ले लेंगे, यू को एक्स के रिस्पेक्ट, क्या आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दें, डी वाई और डी यू की वैल्यू क्या है, ये वाली लिख देंगे, यू का स्क्वायर प्लस वन आ गया, नीचे यू स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब क्या है डी यू ओवर डी एक्स, हमने क्या फाइंड किया है, डी वाई ओवर हमने क्या फाइंड किया है डी एक्स ओवर डी यू, क्या करेंगे उतार के लिखेंगे, यू स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे, नीचे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वन, यू स्क्वायर के साथ कैंसल, क्या आ गया यू स्क्वायर प्लस वन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वन, ये था हमारा फाइनल आंसर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।